So hello everyone and welcome back to another episode of Road on a Tiger. Another episode, another day, another morning. कुछ ऐसा भी था हमारा, मतलब मेरा पिछला कुछ वक्त, मतलब पिछले कुछ घंटे. एक्चुअली अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स को फॉलो किया हो तो हल्दूपुरा गेस्ट हाउस में जब हम फॉरेस्ट के अंदर थे तो मुझे करीब करीब बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी. बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं. तो वो जो ऐसा होता है ना कि शादी के बाद आप शादी में जागते हो रात भर, तो अगले एक दिन दो दिन आपको नींद ही आती रहती है. तो वैसा ही कुछ अभी मेरे साथ चल रहा था. तो नींद पे नींद ही आ जा रही है, नींद ख़त्म ही नहीं हो रहा है, नींद चली जा रहा है. खूब सोया मैं, खूब सोया. कल मैंने एक ब्लॉग शुरू भी किया था, पता नहीं ख़त्म कर पाया कि नहीं कर पाया. मतलब ऐसा कुछ हो रहा था, बिल्कुल नशा जैसा लग रहा था, नशा ही हो गया कुछ. तो पता नहीं, अगर वो आपने ब्लॉग अगर देखा होगा तो आप जानते होंगे मैंने कहाँ स्टे किया था, कैसे स्टे किया था. अगर नहीं देखा होगा तो मैं अभी उसके बारे में कुछ आपको बता दूंगा. फिलहाल हम चेकआउट कर रहे हैं और चेकआउट करके अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ. ये गाड़ी के ऊपर बहुत सारी ये झाड़ी जैसी ये सब ये गिर गई है, अभी हटाया मैंने. ये ऊपर प्लांट से गिर रहा है, इस वाले प्लांट से. देखो कितना सारा गिरा हुआ है, पूरा तो हट भी नहीं पाएगा. जितना हट सकता है मैं हटाने की कोशिश करता हूँ. और सुबह सुबह गाड़ी निकालने से पहले एक बार गाड़ी का की सफाई करनी ज़रूरी होती है. और ये सारे जो है ना, ये देखो, ये सब पाम ट्रीज के ऊपर वाली जो मतलब लीव्स हैं या जो भी है ना, ये वो है. आगे पीछे हर तरफ हो गया है. अच्छा मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ. देखो नेचर को ना बचा के रखना होता है. ये पेड़ देखो नीचे है और हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं. इसको इसकी बनावट ऐसी रखी गई है इस जगह की, यहाँ होल कर दिया गया ताकि ये पेड़ जो है वो ज़िंदा रहे. और पेड़ ये ज़िंदा भी है. तो अगर आप रास्ते निकालें तो आप नेचर को हमेशा बचा के रख सकते हैं. ये चिड़ियों की चहचहाट, ये आवाज़, ये शोर, ये जंगल का शोर, ये मतलब कानों के लिए सूदिंग होता है और ये हमेशा ही अच्छा लगता है. लेकिन ये अच्छा लगने के लिए, अच्छा इसके लगा के रखने के लिए, ये सब छोटी मोटी जो कोशिशें हैं वो आपको करनी पड़ेगी. फिलहाल गाड़ी हो गई हमारी रेडी. एक बार पानी ऊपर मारेंगे शीशे पे और यहाँ से तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:15 और हम लोग यहाँ से निकले हैं. हम लोग रात में, अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड्स देखे होंगे या मैंने उसको दिखाया होगा ठीक से, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि मैं नींद में था पूरा कल, तो आपको पता होगा कि हम लोग लैंसडाउन के एक छोटे से गांव में आए थे और इस गांव का नाम था चरेक. चरेक गांव में हम लोग एक कोजी सा एक हम स्टे ढूंढ रहे थे जो कि हमें गाँव के अंदर मिले, थोड़ा पहाड़ों के ऊपर मिले, और वो हमें यहाँ पर मिल गया. डोम टाइप हट हाउस टाइप का था, एडवेंचर्स पार्क भी था वहाँ पे. सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि नेचर ये काफ़ी करीब था, अंदर काफ़ी प्लांटेशन था, काफ़ी फूल पत्तियाँ मतलब हर तरफ लगी हुई थी. रात को भी बर्ड्स की आवाज़ आ रहे थे, सुबह सुबह तो खूब सारा बर्ड्स का आवाज़ हो रहा था, आ रहा था. बिल्कुल पीछे ही जंगल था, नीचे खाई थी जहाँ हम रुके हुए थे. तो मतलब ओवरऑल स्टे जो था वो जैसा मैं चाह रहा था कि नेचर से कनेक्टेड रहे, नेचर से नज़दीक रहे, और साथ में कमरा जो है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, कोजी रहे, तो वो था, वो हमें मिल गया था, वो मुझे मिल गया. और जैसे भी मैं मतलब क्योंकि एक रात से मैं ठीक से सोया नहीं था. और जंगल से जब आप निकल के आते हैं, एक सफारी करके आते हैं, उसमें वो थकान हुआ था. और मैंने तो चार चार सफारी की थी, जंगल में ही स्टे कर रहे थे, जंगली रास्ता, और मतलब फिर उसके बाद आपको ड्राइव भी करना है, तो थकान काफ़ी ज़्यादा हो गया था. वो थकान कम से कम मेरी निकल गई पूरी तरह से. अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ. अब ये जो ड्राइव है ये सीधी जयपुर के लिए होगी. आपको पता होगा कि मैं नॉर्मली लौटते समय जो है वो रास्ते नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि आते समय आप वो रास्ता देख चुके होते हैं. सेम प्लेलिस्ट में जाके आप वापस का पीछे जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो. तो मैं मैक्सिमम रोड सब रिकॉर्ड नहीं करूँगा. हाँ कुछ अच्छा रहेगा, कुछ दिखाने का होगा तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा. अभी फ़िलहाल मैं जहाँ जा रहा हूँ, बजरंगबली का एक मंदिर है, मैं वहाँ जाऊँगा. अगर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं एक बार कैमरा निकाल के वहाँ पे भी हल्का सा शूट करने की कोशिश करूँगा. यहाँ से 20-22 किलोमीटर पे सिद्ध बाबा का मंदिर है, सॉरी 20-22 किलोमीटर पे कोर्ट द्वारा है, और उससे कोई 3-4 किलोमीटर पहले सिद्ध बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे. मैं मंदिर वहाँ पहले कभी गया नहीं, लेकिन आज जाऊँगा. अगर हुआ तो झंडा भी चढ़ाएंगे और थोड़ा सा घूम के
कैमरा लगा हुआ तो फोटो या कुछ वीडियो बना के फिर वहाँ से निकलेंगे, सीधा आज कोशिश करेंगे जयपुर जाने के लिए। जयपुर की यहाँ से कितनी लंबी ड्राइव है ये एक बार कोटद्वार पहुँचते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ जब तक मैंने गूगल मैप लगाया नहीं है। और ये वादियों से वापस से हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ी देर में ये वादियाँ ख़त्म हो जाएगी और इन वादियों को फिलहाल गुड बाय करने का टाइम आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जर्नी जो है अच्छी रहेगी, सफल रहेगी और जल्दी हम इन वादियों में वापस लौटेंगे। बोलो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में हरियाली ज्यादा है, ये पता नहीं मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसलिए। हिमाचल तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी जगह पे गया हूँ, उत्तराखंड को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अभी मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि आने वाले टाइम में मैं उत्तराखंड को भी एक्सप्लोर करूँ और कोशिश करूँगा कि रिमोट एरियाज़ में जाऊँ। हालांकि कल मैं एक रिमोट एरिया में गया था, मैंने सोचा था कि वहाँ पर थोड़ा और भी रिमोटली कवर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ कर नहीं पाया। खैर एनीवेज नेक्स्ट टाइम इसी को बेस लेके चलेंगे कि रिमोट एरिया को ही जाना है और जाके फिर वहाँ रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करें। फिलहाल बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, मतलब धूप है, काफ़ी तेज़ धूप है। टेम्परेचर तो मुझे पता नहीं चल रहा है अभी, पर लेकिन टेम्परेचर होगा करीब करीब 32-35 के आसपास होगा, उससे कम नहीं होगा, और गर्मी का माहौल है। मैं नॉर्मली वीकेंड्स को ही ट्रैवल करता हूँ और आज भी संडे है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे मंदिर में, अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। हालांकि मैंने सोचा हुआ है मैं मंदिर में जरूर जाऊँगा और ऊपर भी मैं देख पा रहा हूँ, ऊपर लगता है लाइन लगा हुआ है दर्शन करने के लिए। पहले गाड़ी की पार्किंग देखते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। और सिद्ध बाबा मंदिर की पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी है, 30 रुपये पार्किंग का चार्जेस है यहाँ पे। बड़े अच्छे दर्शन हो गए, इनफैक्ट लाइन लगी हुई है लेकिन लाइन भी कम है, ठीक है। और मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। मेरे साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और चलते हैं अब आगे, यहाँ पे लिखा है चुनरी नहीं बांधना है, तो हम ये चुनरी यहाँ नहीं बांधेंगे, अब आगे बांधेंगे। पूजा हो गई और बड़े अच्छे से हो गई, झंडा भी चढ़ा दिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया, अब चलते हैं यहाँ से आगे। और हम अभी कोटद्वार क्रॉस कर रहे हैं, जिस मंदिर में अभी हम लोग गए थे वो बेसिकली बिल्कुल कोटद्वार से ठीक पहले है, मतलब फॉरेस्ट एरिया जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पे कोटद्वार शुरू हो रहा है, बस वहीं पे वो मंदिर था। बड़े अच्छा भव्य मंदिर था, नीचे से नदी बह रही थी, ज़्यादा देर हुआ नहीं हमें, जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया, भीड़ भी काफ़ी था वहाँ पे। डेस्टिनेशन 483 किलोमीटर आ रहा है और बता रहे हैं कि 9:30 बजे 10 बजे रात तक पहुंचेंगे।
या बीच में हम कहीं हॉल्ट भी ले सकते हैं, रुक सकते हैं, अगले दिन पहुंच सकते हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर लगातार चलते रहें तो आने वाले 10 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर मतलब रुके एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा कहीं, तो बीच में रुकेंगे ही, एक दो ब्रेक तो लेंगे ही, उसके बाद देखते कितने बजे पहुंचते हैं।